हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशी वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज हैकिंग एंड इंट्रोडक्शन इन टाइप्स ऑफ हैकिंग। सो फर्स्टली हम बात करेंगे हैकिंग। गाइस, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स टू एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस टू गेन एक्सेस। फॉर एग्जांपल, हैकिंग द पासवर्ड ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग इज बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिस्टम की वीकनेस को उस सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। ओके, नाउ कंप्यूटर हैव बिकम मैंडेटरी टू रन ए सक्सेसफुल बिजनेसेस। इट इज नॉट इनफ टू हैव आइसोलेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स, दे नीड टू बी नेटवर्क टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल बिजनेस। ओके, नाउ कोई भी सिस्टम आपका आइसोलेट नहीं है, उसे नॉर्मली नीड होती है एक्सटर्नल नेटवर्क की डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, दिस एक्सपोजेस देम टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन हैकिंग। ओके, दिस एक्सपोजेस यही एक्सपोज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग को आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, हैकिंग मीन्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू कमिट fraudulent acts such as fraud, privacy invasion, stealing corporate personal data, etc. Cyber crimes cost many organizations millions of dollars every year. Businesses need to protect themselves against such attacks. Okay, so आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा what is hacking. Now, before we go any further, let's look at some of the most commonly used terminologies in the world of hacking. ओके, सो फर्स्टली हम बात करेंगे हैकिंग। हमने देखा हैकिंग क्या होती है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे हैकर्स कौन होंगे जो हैकिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बताती हूँ हु इज ए हैकर। नाउ ए हैकर इज ए पर्सन हु फाइंड्स एंड एक्सप्लॉइट्स द वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क टू गेन एक्सेस। ओके, हैकर वो पर्सन होता है जो एक्सप्लॉइट्स करता है एंड फाइंड करता है डिफरेंट वीकनेस और एक कंप्यूटर सिस्टम की उसका एक्सेस लेने के लिए। गाइस, hackers are usually skilled computer programmers and with knowledge of computer security. Okay, जो usually skilled hackers होते हैं वो computer programmers होते हैं और different types of computer security knowledge उनके पास होती है। Okay, hackers are classified according to the intent of their actions. The following list classified hackers according to their intent. Okay, hackers भी different type के होते हैं। First one हम बात करते हैं, that is white hat hacker. Okay, इसको बोलते हैं एथिकल हैकर एंड वाइट हैट हैकर। दिस इज द हैकर हु गेन्स एक्सेस टू अ सिस्टम विद अ व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेस। दे मे आल्सो परफॉर्म पेनिट्रेशन मींस टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ एनी सिस्टम। ओके, सेकंड टाइप ऑफ हैकर इज क्रैकर, नेम इज ब्लैक हैट। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। दिस इज a hacker who gains unauthorized access to computer system for personal gain. The intent is usually to steal corporate data, violate privacy rights, transfer funds from bank accounts, etc. Okay, third one hota hai guys gray hat. It is a hat who is in between ethical and black hat hackers, that is gray hat hacker. Okay, he/she break into computer system without authority with a view to identify weakness and reveal them to the system owner. Okay, next one is script kiddies, that is a non-skilled person who gains access to computer system using already made tools. Okay, जहाँ आप already made tools use करते हैं किसी भी system को hack करने के लिए, उस type के hacker को बोलते हैं guys script kiddies. Okay, now next one is knowledge is free, we are anonymous, we are legion, we do not forget, accept us. Okay, that is hacktivist, a hacker who hacking to send social, religious and political etc. messages. This is usually done by hijacking websites and leaving the message on the hijacked websites. Okay, that's called hacktivist. Okay, next one is Fraker, that is a hacker who identifies and exploits weakness in telephones instead of computers. Okay, जो hackers
कंप्यूटर के बजाय टेलीफोन से डेटा हैक करते हैं उनको बोलते हैं फ्रीकर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग। ओके, सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क टू परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज सच एज स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरसेस, ऑनलाइन bullying, performing unauthorized electronic fund transfer, etc. Most cyber crimes are committed through the internet. Some cyber crimes can also be carried out using mobile phones, via SMS and online chatting applications. Okay? Mostly जो cyber crime होते हैं guys, वो आपके mobile phone के through होते हैं, via SMS और other online chatting applications के through. Okay? Now अब बात करते हैं types of cyber crime, that is the following list presented the common types of cyber crime. First one is common fraud. In this, international deception of personal gain via the use of computer systems. Okay, different type of computer fraud होते हैं, वो भी आपका एक type का cyber crime है, guys. Next हम बात करेंगे privacy violation. In this, exposing personal information such as email addresses, phone number, account details, etc. Okay. और सोशल मीडिया वेबसाइट एक पर्टिकुलर साइबर क्राइम वह भी है जहां आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर्स वगैरह सोशल मीडिया और वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं। डिटेल्स दैट्स आर पर्सनल डिटेल्स। ओके, सो जहां प्राइवेसी वायलेशन होता है दैट इज साइबर क्राइम। ओके, थर्ड वन इज आइडेंटिटी थेफ्ट। इन दिस, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एंड इम्पर्सनेटिंग दैट पर्सन। ओके, किसी पर्सन को आइडेंटिटी थेफ्ट करना मतलब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना और उसको इम्पर्सनली उसको ब्लेम करना, दैट इज इन आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, दैट इज साइबर क्राइम। नेक्स्ट वन, शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स इंफॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेड फाइल्स सच एज ई बुक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। जहाँ आपको ई बुक्स हैं जो एक ऑथराइज्ड हैं, किसी ऑथर द्वारा लिखी गई हैं, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कोड्स हैं, उसको जब कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से किसी अदर वेबसाइट वगैरह पर अपलोड करता है तो वहां पर होता है शेयरिंग कॉपीराइट फाइल्स इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो साइबर क्राइम। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दिस इन्वॉल्व्स गेनिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बैंक कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मेकिंग इलीगल फंड ट्रांसफर्स। ओके, illegal fund transfers is also a cyber crime. Next one, electronic money laundering. This involves the use of the computer to launder money. Okay, ATM fraud. This involves intercepting ATM card details such as account number or PIN number. These details are used to withdraw funds from the intercepted account. Okay, so ATM fraud is also a cyber crime. Next one है denial of service attack, इसको DoS attacks भी बोलते हैं guys, sort में। This involves the use of computers in multiple locations to attack servers with a view of shutting them down. Okay, क्या करता है? This involves the use of computer in multiple locations to attack servers with a view of shutting them down. Okay, next cyber crime है spam. In this, sending unauthorized emails, these emails usually contain advertisement. Okay, अगर आप focus करें तो आपके Gmail में एक spam नाम का folder होता है, mainly आपके सारे mail primary में आते हैं, but जो spam mail होते हैं वो basically advertisement mail होते हैं, जो कि आपका Google Gmail अपने आप ही उसको spam folder में access कराता है. Okay, so that also cyber crime. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग अगेन। ओके, पहले हमने बात किया था हैकिंग की, बट अब हम बात करेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग। जो कि मैंने आपको हैकर्स के टाइप में बताया था एथिकल हैकर होते हैं। सो इन दिस एथिकल हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम एंड आवर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कमिंग विद counter measures that protect the weakness. Ethical hackers must abide by the get written permissions from the owner of the computer system and or computer network before hacking. Okay, first point मैंने आपको बताया
had written permission from the owner of the computer system and or computer network before hacking. ये क्या करते हैं एथिकल हैकर्स, एक रिटन परमिशन ले लेते हैं कंप्यूटर के ओनर से अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क बिफोर कंप्यूटर सिस्टम से या कंप्यूटर नेटवर्क से हैकिंग करने से पहले. ओके, प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग हैक्ड. ओके, सेकेंड स्टेप इज दिस. एंड थर्ड स्टेप इज ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट ऑल द आइडेंटिफाइड वीकनेस इन द कंप्यूटर सिस्टम टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड फोर्थ स्टेप इज inform hardware and software vendors of the identified weakness. Okay, by ethical hacking, information is one of the most valuable assets of an organization. Jo ki aap jante hain, keeping information secure can protect an organization's image and save an organization's a lot of money. Okay, kisi bhi organization ko apni information secure karne ke liye, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को सेव करने के लिए लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होता है गाइस. हैकिंग कैन लीड टू लॉट्स ऑफ बिजनेसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट डील इन फाइनेंस सच एज पेपाल. एथिकल हैकिंग पुट्स देम अ स्टेप अहेड ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स हु वुड अदरवाइज लीड टू लॉस ऑफ बिजनेसेस. आई होप यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट legality of ethical hacking. In this, ethical hacking is legal if the hacker abides by the rules stipulated in the above section on the definition of ethical hacking. Okay, जो मैंने आपको बताया है ethical hacking के section में different four rules, अगर ethical hacker उन four rules को follow करके hacking करता है तो that is legal hacking. The International Council of E-commerce Consultants, means EC Council, provides a certification program that tests individuals' skills. Those who pass the examination are awarded with certificates. The certificates are supposed to be renewed after some time. Okay, so who is a legal ethical hacker? They follow four steps. जो मैंने आपको section 4 ethical हैकिंग के सेक्शन में मैंने आपको बताया है. ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बट पहले हम समरी देख लेते हैं गाइस जो हमने इस पूरे लेक्चर में पढ़ा है. सबसे पहले मैंने बात की थी हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोइटिंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम एंड और कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, जो कि फर्स्ट सेक्शन में हमने बताया था आपको हैकिंग क्या है. देन हमने बात किया साइबर क्राइम की. साइबर क्राइम इज कमिटिंग ए क्राइम विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट हमने बात की एथिकल हैकिंग की. सो एथिकल हैकिंग इज अबाउट इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड योर कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, एथिकल हैकिंग क्या है? अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी इम्प्रूव करनी है तो दैट इज एथिकल हैकिंग. एंड एथिकल हैकिंग इज लीगल अगर आप पर्टिकुलर हैकर के पास उसका सर्टिफिकेशन है तो. ओके, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हैकिंग पढ़ना चाहते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.